आपको फिल्म जब आप देखेंगे तब आपको स्मेल आएगा वो बट मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज की है लेकिन ऐसा ट्विस्ट मैंने कोई भी लव स्टोरी में मैंने किया नहीं है कि स्मेल की वजह से कोई प्यार भी कर सकता है इट्स क्वाइट अ वैकी थॉट बट इन अ वे इट्स क्वाइट अ रियलिस्टिक थॉट एज वेल बिकॉज स्मेल इज समथिंग हम लोग अपने जीवन में ज्यादा अहमियत नहीं देते बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने की खुशबू से हमें भूख और लगती है करेक्ट जब हम एक बस में रहते हैं और लोगों के बदन से मतलब पसीने की खुशबू आ रही है या लोकल ट्रेन में तो हमें लगता है कि हम थोड़ा दूर हट जाए जब हम मंदिर जाते हैं तो फूलों और मतलब अगरबत्तियों की खुशबू से हमको बहुत ऐसा लगता है कि वाह इट्स सच अ गुड एटमॉस्फेयर सो आई थिंक स्मेल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम घर पे भी रहते हैं एंड वी गेट अ फाउल स्मेल वी स्टार्ट स्प्रेइंग थिंग्स इन द रूम एंड स्टफ लाइक दैट एंड ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट आई गेट अट्रैक्टेड टू मैन हु स्मेल्स गुड और नए डायरेक्टर के साथ काम करके हमेशा ये एक चैलेंज रहता है कि व्हाट आर दे गोइंग टू मेक यू डू नेक्स्ट And because as an actor, मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब मैं एक फिल्म लेकर आऊँ मेरे दर्शकों के लिए माई ऑडियंस शुड सी अ न्यू रानी मुखर्जी इन ईच फिल्म We did see one new Rani Mukherjee in the promos, dude. मतलब मीनाक्षी देशपांडे फुल ऑन ऐसा कहीं लगा नहीं कि ये रानी है करेक्ट और मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऐसे ही सब फिल्म आए एंड ये फिल्म स्पेशली दिस इज केटरिंग टू एवरी सिंगल ऑडियंस वेदर इट इज चिल्ड्रेन यंगस्टर्स पेरेंट्स Uncle, aunties, grandparents, I think they all can come and see this film together. So, Rani, if I ask you, आपके इतने beautiful films जो रहे हैं, of course हर film में आपका एक quirky side आया, like for even in हम तुम, you know, there were those funny comic moments, लेकिन in this film, please go. Bunty Bobby में भी comic moments थे, लेकिन in this film, I think it is very mad. Yeah, she's completely cracked. मतलब आईने के सामने खड़े होके अगर वो ऐसे बोलती है कि वाह क्या चेहरा है क्या आंखें हैं क्या हंसी है हाय मतलब कि वो खुद की तारीफ करती है मतलब मीनाक्षी देशपांडे अपने आप को इतना प्यार करती है कि कोई कहे ना कहे वो अपने आप को कह देती है कि भैया आई एम द बेस्ट तो वैसे कैरेक्टर अभी मतलब पागल ही हो सकता है एंड इन केस आप सोच रहे हैं कि ये जीन में आया है नहीं ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है इनकी मम्मी को देखें ना बस शी इज रियली बैड And actually, Meenakshi is everything that Ajji wanted to do in the film. And Ajji kar nahi paayi jo Meenakshi ne kar diya. Please have a seat. अच्छा देखो ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी से लेकिन अभी फिलहाल मैं सामने बैठी हूँ मीनाक्षी देख रही चलो वो हिंदी फिल्म राइट फ्रॉम इन चाइल्ड एंड इट वॉज हिज आइडिया दैट ही वॉन्ट्स टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु इज ग्रोन अप सो इन सवा डॉलर सॉन्ग देर इज यश जी देर इज करण बिकॉज द फिट वॉज सो गुड दैट वी बोथ वर सच ह्यूज फैंस But it just, actually being a Mumbaikar, I'm born and brought up in Maharashtra and it's very strange that all my life, wherever I've gone, Marathi language is not alien to me. So I've kind of spoken broken Marathi around people who have been my friends. A crazy girl who lives her life in a reality and in her dreams and she's completely wacky. I think quite close to her. You know, we've never seen you do such wacky song and dance numbers, but you seem quite a natural at it, I must say. So was this like a want to always do such numbers? No, you know, actually, you know, my fans always have told me that Rani, you dance so well. In the last time I really danced heavily was in Bunty Bobby, in the song Dhadak Dhadak.
But I think there's not much hope in doing many dance numbers. But in Aiyyaa, I think I've पूरी कसर पूरी कर दी. Because एक ही फिल्म में तीन अलग अलग kind of dances plus तीन अलग flavor के गाने. So I think I've made my fans happy in that sense that